समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद जी हमारे यहाँ पर आए कुछ लोगों के साथ में और ये नाली को खोद दिए, बोले हम यहाँ पर पाइप लगाएंगे और तुरंत आपका पैक कर देंगे। और उसी दिन हम लोग बोलते हैं पार्षद को कि आप कहाँ गए हमारा नाली पाइप, बोलते कुछ नहीं हमको खोदने का आदेश मिला था, खुदवा दिए हम नहीं जानते, ये नाली का आप लोग अपना व्यवस्था बनाइए। जाने एक एक्सीडेंट हो गए, दो बार गिर जा रहे हैं, दो किसी घाट पर टूट जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, जबकि यहाँ सभी लोग मिलकर कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए टैक्स हर साल बटा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। नगर निगम कमीशन से बात करने से बोलते बार बार फोन मत करो, है ना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, तुम्हें पुलिस केस करेंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसे फालतू फालतू धमकी देते रहते लोगों को। क्रिको 28 की टीम देश विदेश के ज्वलन मुद्दे तो अब तक पहुंचा ही रही है, साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ में आम जनता की समस्या जानने के लिए कि समस्या है क्या, तो समस्या जानने के लिए छत्तीसगढ़ का एक जिला है बिलासपुर, जो कि बहुत मुख्य है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में स्थिति है मुक्का चौक की। क्या स्थिति है वो हम जानने की कोशिश किए, क्योंकि ये विधानसभा आता है बेलतरा का, तो जानना यह है कि समस्या मौजूदा है क्या और इसका वह किस तरीके से समाधान करेंगे। खैर ये तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम लोगों के द्वारा जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। और मैं संदीप कुमार क्लिपर 28 से, आज हम आए हैं मुक्का चौक। मुक्का चौक की समस्या ये है रोड नाली, नगर निगम का आश्वासन आज कम से कम 15 दिन हो चुके हैं, नगरवासी आज मोहल्लेवासी इतने परेशान हैं। मैं सिर्फ सवाल करना चाहूँगा नगर निगम से कि ये कार्य कब तक पूरा होगा और आपने जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन आप कब तक पूरा करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ के आसपास के लोगों से कि उनकी मंशा क्या है नगर निगम के बारे में, यहाँ की आम जनता से कि इस नगर निगम की अव्यवस्था से उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर हम लोग को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद जी हमारे यहाँ पर आए कुछ लोगों के साथ में और ये नाली को खोद दिए, बोले हम यहाँ पर पाइप लगाएंगे और तुरंत आपका पैक कर देंगे। और उसी दिन हम लोग बोलते हैं पार्षद को कि आप कहाँ गए हमारा नाली पाइप, बोलते कुछ नहीं हमको खोदने का आदेश मिला था, खुदवा दिए हम नहीं जानते, ये नाली का आप लोग अपना व्यवस्था बनाइए जाने आने का, हम लोग गरीब आदमी लोग कहाँ से बनवा पाएंगे। उल्टा हमारे जो 2-4 ग्राहक आते थे वो भी बंद हो गए आने के लिए, हम लोग पूरे समस्याओं से घिरे हुए हैं। सर हम लोग बहुत परेशानी हो रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग नगर निगम गए थे, जोन कमिश्नर साहब आए थे, जोन कमिश्नर साहब को बोले तो जोन कमिश्नर बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, आप अपनी सुविधा खुद बनाइए। हमने कहा कि सर कोई गिर जाएगा उसका क्या होगा, वो आप जानिए, कुछ नहीं गिरते रहते हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमारी जान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिर जाए जानवर गिर जाए इंसान गिर जाए। मैं 2 बार फिसलते बची हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे को पकड़े, मैं वो जाना छोड़ दी बाहर रोड उस पार, आप सोचिए हमारा जाना आना भी आप बंद करवा दिए हो, हम लोग कहीं ना आ जा रहे हैं कुछ ना ग्राहक आ पा रहे, तो हमारी रोटी वोटी कैसे चलेगी, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, आप ये बताइए हमको। आपको कोई काम करना सोच समझ ही करना था सर, इस काम को कुछ उपाय भी करना है ना, आने जाने को समस्या ही समस्या है। यहाँ तक कि हम अपने पार्षद के पास गए, पार्षद बोलता है कि सब कुछ अब हमारा है, हम कुछ नहीं आपको मदद कर सकते, भाई तुम किस बात के पार्षद बन गए थे, तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर सकते, तो उठा हमसे लड़ने के लिए आ गया पार्षद, या अपना सारी सुविधा खुद करिए, हम अपना मलबा भी हमारा ले गया, वो तो मेरा हो गया, मेरी दरगाह में टंक हुआ तो मेरा हो गया, ऐसा करके हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। सर आप कुछ करिए इसको, हमने मेयर तक भी जा गए थे, वहाँ तक भी मेयर को ही बोले, मेयर ने कहा अपने जगह को बांट दीजिए, लेकिन हम लोग ने सोचा बांटने से तो समस्या का हल नहीं होगा, इसलिए सर कुछ अब हम लोग ऐसा उपाय बनाए कि हमेशा के लिए हो जाए, मुसीबत हर साल पानी गिरेगा, हर साल पानी जाम होगा, तो कुछ आप नाली वाली का व्यवस्था कराइए, रोड बनवाइए, ताकि सभी लोगों को इसकी मतलब इसका मतलब आराम मिलेगा, इसकी सुविधा मिले। सर आपसे यही मेरा विनती है, आप करवा देंगे तो हम लोग आपका आभारी रहेंगे। सर आइए जानते हैं यहाँ के वार्ड वासियों की समस्या, दो बार गिर जा रहे हैं, दो किसी घास पर टूट जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, नगर निगम से कंप्लेंट करने की क्षमता नहीं है, विधायक जी महोदय से मिले थे, जिनसे मतलब दिए थे, उन्होंने अरुण शाह जी जो है जो अंतर उनको बताया, लेकिन कोई यहाँ पे एक्शन नहीं दिया जा रहा है, लोग अच्छी से अच्छी ज्यादा परेशान है, आने जाने के लिए परेशान है, जबकि यहाँ सभी लोग मिलकर कम से कम 2 से 3 लाख रुपए टैक्स हर साल बटा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है लोगों की, और लोग बहुत अति से अति परेशान है, बहुत ज्यादा लोग आक्रोश में है, किसी दिन भी यहाँ धरना प्रदर्शन होगा, लोग आग जो है चौराहे को बंद करेंगे, प्रशासन कम से कम जागे और यहाँ रोडों की व्यवस्था करे, जबकि हम लोग सब टैक्स दे रहे हैं, आज भी हम 1965 में जो जी रहे थे आज भी वो स्थिति में यहाँ जी रहे हैं हम लोग।
देश कहां से कहां चला गया। मोदी जितना विकास कर रहे हैं, गांव गांव में लेटरिन बाथरूम बनवा रहा है, यहां कोई सुविधा नहीं है। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। सर ये नगर निगम कमिश्नर का क्या कहना? नगर निगम कमिश्नर से बात करने से बोलते बार बार फोन मत करो, है ना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, शुरू में पुलिस केस करेंगे तुम्हारे ऊपर। ऐसे फालतू फालतू धमकी देते रहते लोगों को, जो कि नहीं देना चाहिए। लोगों की मदद करने की जगह पे है, उनको यहाँ आके देखना चाहिए। आज तक यहाँ साइट पे नहीं आए एक बार देखने के लिए, 50 बार फोन करने के बाद कभी नहीं आते हैं। सुपरवाइजर नीचे की लेबर को भेज देते हैं, कभी आते तक नहीं यहाँ देखने के। उनको यहाँ आके स्वयं देखना चाहिए, लोगों की समस्या को समझना चाहिए। हमारा प्रशासन से निवेदन है, शासन से निवेदन है कि हमारी रोड को जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें। और कई बार हम अमित जी से, आयुक्त जी से भी मिले, उनको भी कंप्लेंट दिया, लिखित में दिया, उनने भी अनुशासन दिया था कि हम आपको करवाएंगे काम को कैसे भी करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। हमने सांसद महोदय से भी मिले, डिप्टी सीएम साहब से भी मिले, सभी को दिया है लिखित में, सबने बोला है कि बनवाएंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। आइए जानते हैं ये वार्ड के बुजुर्ग हमारे, बताइए समस्या। छत्तीसगढ़िया बोलिए। और मना कर दे रहा है, आगे देख रहा है, चले जा रहा है, पांच रुपया पास मिलते हैं उनके पास, मिलते हैं तो नहीं दे रहे हैं। जहाँ नगर निगम ऑफिस से जाके मिले हैं तो यहाँ पूरा पानी हो जा रहा है, प्रताप के अंगे पूरा दुकान के अंदर पानी चला जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा समझता हूँ। सर ये नगर निगम कितने दिन हो गए इनको, जी सर कितने दिन हो गए ये गड्ढा खोदे हुए नाली पे? 15 दिन हो गए। 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की है गड्ढा खोदने के बाद में, अभी तक कोई नहीं आया है। ये लोग सभी अच्छे नागरिक हैं, सभी टैक्स कटा रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। ये है समस्या मोका चौक। अब मैं ये जानना चाहता हूँ नगर निगम कमिश्नर से कि अगर एक जिम्मेदार अधिकारी अगर समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो कौन करेगा? मैं संदीप कुमार क्लिपर 28 से कैमरामैन कुलदीप के साथ, जय हिंद जय भारत।